आजकल सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया है। जी हाँ, बदल तो उसने भोजपुरी एक्ट्रेसेस का रूप भी है। अब आप ये कहना चाहेंगे कि हम आपको आज क्या बताने वाले हैं। आपने थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी भोजपुरी एक्ट्रेसेस हैं, वो फैट से फिट कैसे हो गई। भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी भोजपुरी एक्ट्रेसेस हैं, वो फैट से फिट कैसे हो गई। तो चलिए, ये सब कुछ देन है इंस्टाग्राम बाबा, फेसबुक बाबा, यूट्यूब देवता की। अब आप ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कैसे। तो भाई, ऐसा इसलिए, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब भोजपुरी एक्ट्रेसेस ये दलील दिया करती थी कि वो मोटी इसलिए है क्योंकि दर्शक उन्हें ऐसे ही देखना चाहते हैं। दर्शकों को भोजपुरी एक्ट्रेसेस मोटी ही अच्छी लगती हैं, उन्हें भोजपुरी एक्ट्रेसेस फिट और स्लिम अच्छी नहीं लगती। जैसे ही इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक या यूं कह ले जितनी भी सोशल मीडिया साइट आई, वहां जब भी भोजपुरी एक्ट्रेसेस आती, कुछ पोस्ट करती, वैसे ही नीचे कमेंट में धड़ाधड़ उन्हें लिख के आता, हाय आप कितनी मोटी हैं, आप अपना वजन क्यों नहीं कम करती, आप तो इस फिल्म में हीरो से भी ज्यादा उम्र दराज लग रही हैं। ये सारा कुछ सुनते सुनते कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि अब अगर हम फिट नहीं हुए, ये सारा कुछ माजरा होते देख भोजपुरी एक्ट्रेसेस को लगा कि अगर हम अब फिट नहीं हुए तो यहाँ से हमारी छुट्टी तो तय है। इन्हीं सब कारणों से भोजपुरी एक्ट्रेसेस ने ठान ली कि अब उन्हें फैट से फिट होना है, ये ज्यादा अच्छा है। इसमें सबसे ऊपर नाम भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी का आता है, फिर आम्रपाली और फिर तो लाइन ही लग गई है। लेकिन आजकल आप देखेंगे तो रानी चटर्जी सबसे फिट हैं, उसके बाद आम्रपाली दुबे हैं। खैर, आम्रपाली दुबे ने तो कहा है कि वो फैट से फिट इसलिए हुई हैं क्योंकि उन्हें एक दिन लगा कि उन्हें उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उन्होंने वर्कआउट किया, जिम गई, योगा किया और तब जाके उन्होंने बड़े ही जल्दी अपना वजन कम कर लिया। आपको बता दे कि आम्रपाली दुबे अपने आप को सबसे फूडी बताती हैं, यानी कि वो खाने पीने के मामले में बहुत शौकिया हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वो प्रॉपर डाइट लेती हैं ताकि वो फिट रहें और बेवजह का खाना नहीं खाती। वैसे आम्रपाली दुबे पे तो ये भी इल्जाम लगते आ रहे हैं कि उन्होंने सर्जरी कराकर अपने आप को पतला किया है, लेकिन इन सब चीजों को वो सिरे से इनकार करती हैं। वहीं रानी चटर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसे देखकर तो सभी हाय तौबा ही कर रहे हैं। कभी किसी को यकीन नहीं था रानी चटर्जी जो हीरोइन के बजाय हीरो लगती हैं, वो अपने आप को इतना फिट कर लेंगी। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर तो हर हीरोइन को चाहिए कि अपने आप को पूरी तरह से स्लिम रखे, क्योंकि भाई अब भोजपुरी दर्शक भी बॉलीवुड दर्शकों की तरह हो चुके हैं, उन्हें भी अब हीरोइने जीरो साइज फिगर की ही चाहिए। तो भाई, जितनी भी भोजपुरी हीरोइने मोटी थी, अब वो पतली हो चुकी है सिर्फ अपने दर्शकों के लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।